मैडम उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में उपचुनाव होने हैं, वैसे मैनपुरी में भी उपचुनाव होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की टीम विभिन्न राज्यों में एक साथ चुनाव होने हैं, तो क्या वजह है कि चुनाव एक साथ नहीं होते? हम राष्ट्र का चुनाव भी होना था, हरियाणा का हो रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर का हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है कि एक साथ चुनाव होने की बात है। और जहाँ विधानसभा 10 सीटों में जहाँ चुनाव होना हुआ तो अभी उत्तर प्रदेश की भी डेट तो आई नहीं है, मैं समझती हूँ जब डेट आएंगी जब माहौल गर्म होगा तो बात करेंगे सारे। अच्छा, बकबोक कानून को लेकर तमाम सियासत जारी है, भाजपा अपनी राजनीति कर रही है, वही ओवैसी को आरोप लगा ओवैसी के ऊपर कि लोग मुस्लिमों को भड़काने का, इस तरह से बकबोक के कानून को लेकर पार्लियामेंट्री में कमेटी में मिल गया है और वहाँ में पूरे विस्तार चर्चा होगी और सभी इस पर कोई डिसीजन लिया है और सभी पार्टी के सांसद कमेटी में मौजूद हैं। बहुत ही निराशाजनक बात है क्योंकि यह कहीं ना कहीं मानवता की हत्या है, जगतमान की हत्या है, कहीं ना कहीं जो हमारी न्यायिक जो प्रक्रिया है उसकी भी कहीं ना कहीं हत्या है। और मैं समझती हूँ जो अपने आप को जिस भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को आस्था से जोड़ती है वो इस तरह की बातें हो रही है प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं यह गलत संकेत देने का पूरे देश को मैं समझती हूँ एक संदेश जा रहा है, गलत संकेत का संदेश जा रहा है। की कार्रवाई में लगातार आप उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई में लगातार आपत्ति करते रहे, वही अखिलेश यादव का बयान आया था कि अगर सरकार आती है तो बुलडोजर का रुख योगी जी के पास की साइड। उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की गई है, उन्होंने कहा कि गोरखपुर में जितने भी गलत काम हुए हैं उसकी तरफ से, तो ये आप लोगों का जो कहने का तरीका है वो गलत है। राहुल गांधी के विदेश दौरे के बाद भाजपा आरोप लगा रही है विदेशों में जाकर भारत की नीति का अपमान करते हैं, आप किस तरह से देखती हैं राहुल गांधी? समझती हूँ अगर सच्चाई को बोला जाए तो सच झूठ नहीं होता, हम सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि यार रोजगार नहीं है, क्या आप नहीं जानते क्या हम नहीं जानते, पूरा देश जानता है आज महिलाओं की क्या स्थिति है और देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है यह बात कि महिलाओं की क्या स्थिति है और कैसे पूरा देश हमारा जो है महिलाएं कहीं ना कहीं असुरक्षित है, बाहर से तो विदेशी महिलाएं आती है उनका भी बलात्कार हो रहे हैं, तो मैं समझती हूँ सच बोलने की कोई जगह नहीं होती है, सच आप कहीं बोलते हैं लगातार पटरियों से ट्रेन इधर उधर जा रही है, लगातार हमने इतने बड़े बड़े रेल मंत्री जो ये पैसेंजर ट्रेन है उसकी दुर्घटनाएं देखी है, क्या सरकार ने कोई भी इसमें स्टेप्स लिए हैं या जो लोग मरे हैं उनको किसी भी तरह सहूलियत देने के उनके परिवारों को कोई भी इस तरह का काम किया है? समझती हूँ यह देश की सरकार जो है भाजपा की सरकार की नाकामी है कि लगातार जो ये घटना हो रही है हमारे रेलवे और के साथ। वहीं गिरिराज सिंह का कहना है ये गोधरा जैसे षड्यंत्र रचने की साजिश रची जा रही है, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये लोग एक बीच जो गाड़ चुके हैं विभाजन करने का उसको कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अंकुरित करें और इस तरह की अफवाहें फैला के इस विभाजन के बीच को द्वेष के घृणा के बीच को ये अंकुरित करना चाहते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ हमारा पूरा पीडीए जागरूक है और पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ आधी आबादी की आज महिलाएं असुरक्षित है उत्तर प्रदेश, और वहीं हमारे अग्रे भी शामिल है इस पीडीए में, तो कोई ना समझे कि हमने किसी को छोड़ा है अपने पीडीए में, तो आज सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग परेशान हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हो, चाहे वे किसी की धर्म के हो, चाहे वे कोई भी काम कर रहे हो, आज हमारा युवा परेशान है, हमारे किसान परेशान है, और मैं समझती हूँ जिस तरह चुनाव के परिणाम आए हैं कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश की बुखलाई गई है, आने वाले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं भाजपा का भी सहायता ले सकती है, लेकिन आज मतदाता जागरूक है और आप इसका परिणाम देखेंगे इस तरह उत्तर प्रदेश की किस तरह से ज्यादा से ज्यादा जीत कर आए जाएंगे या गठबंधन का सवाल है कि क्या हम गठबंधन से लड़ते हैं या